सब्सक्राइब करें टेक्निकल बीट्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो वेलकम गाइस, मेरा नाम है अक्षय, आप देख रहे हैं हमारे टेक्निकल बीट्स यूट्यूब चैनल को। और गाइस, काफी सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें अपने फोन को बैकअप और रिसेट, यानी कि अपने फोन को कंप्लीट रिसेट करना है, तो वो अपने नजदीकी स्टोर का कॉन्टेक्ट करते हैं और वहां जाकर बोलते हैं कि मुझे फोन रिसेट करके दीजिए। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल में एक फोन के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप अपना फोन इजीली अपने घर बैठे बैठे रिसेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है ओप्पो का A55 और आज हम ओप्पो A55 को रिसेट करके आपको बताएंगे कि आप अपने फोन को किस तरह से रिसेट कर सकते हो, बैकअप एंड रिसेट वो सारी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, कहीं पर स्किप मत करना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वैसे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं आपका हमारा टाइम न गवाते हुए। ये हमारे पास ओप्पो का A55 और यहाँ पर फिलहाल इसे हमें रिसेट करना है। तो किस तरह से कर सकते हैं वो तो मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। तो रिसेट करने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले अपने फोन को ऑन कर लेना है। फोन को ऑन करते ही आपको यहाँ पर एक सेटिंग देखने को मिलता है, सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पर सेटिंग में जाते ही आपको यहाँ पर इसे स्क्रोल करना है और यहाँ पर एक एडिशनल सेटिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। एडिशनल सेटिंग में जाते ही आपको यहाँ पर इसे नीचे स्क्रोल कर लेना है और लास्ट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है बैकअप एंड रिसेट का, तो उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप अपने बैकअप और रिसेट को सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, बट इसमें से हमें सीधे लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, इरेज ऑल फैक्टरी रिसेट। तो यहाँ पर इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला वाला ऑप्शन है रिसेट नेटवर्क सेटिंग। तो इससे आपको क्या होगा कि जब भी आप रिसेट नेटवर्क सेटिंग करेंगे तो आपके फोन के सेटिंग यानी कि वाईफाई सेटिंग, ब्लूटूथ सेटिंग, मोबाइल नेटवर्क सेटिंग, वो सारे सेटिंग रिसेट हो जाएंगे आपके फोन के अंदर और कुछ डेटा रिमूव नहीं होगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, अगर आपको कोई डेडिकेटेड चीज़ को रिसेट करना है तो आप यहाँ से इसे कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिलता है रिसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, यानी कि सिस्टम का जो सेटिंग्स होता है फोन के अंदर रिंगटोन वगैरह, वो आपको कंपनी का सेम चीज कर देना है। तो आपको रिसेट सिस्टम सेटिंग ओनली को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर है इरेज डाउनलोडेड एप्स एंड देयर डेटा, यानी कि इससे आप क्लिक करेंगे तो आपने जो भी चीज़ें डाउनलोड करके रखी है यानी कि फोटो, म्यूजिक या नॉन एप्स वगैरह डिलीट करना है तो आप इजीली इसे सिलेक्ट कर दीजिए, वो सारी चीज़ें इजीली डिलीट हो जाएंगी। बट आपको पूरा फोन रिसेट कर लेना है, कंप्लीट डेटा क्लियर कर लेना है कि जैसे आप नया फोन लेकर आए थे वैसा ही कर लेना है। तो आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, इरेज ऑल डेटा। तो यहाँ पर इसे हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे आप इसे सिलेक्ट करते हो तो दिस विल इरेज ऑल डेटा का ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पर इरेज डेटा, फिर से यहाँ पर ये हमें कंफर्म करता है कि भी आपको फोन कंप्लीट रिसेट करना है, तो हाँ भाई कर लेना है। तो इसे यहाँ से हम इरेज डेटा को सिलेक्ट करते हैं। जैसे आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो आपका फोन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इसके बाद इसे स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, यानी कि रिसेट होने में इसे काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। तो यहाँ पर सीधा ये चला गया रिकवरी मोड के अंदर और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है पावर्ड बाय एंड्रॉयड और ओप्पो। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो वाइप हो रहा है, यानी कि डिलीट हो रहा है। डू नॉट परफॉर्म एनी अदर ऑपरेशन, आपको कहीं पर किसी की वगैरह को प्रेस नहीं करना होता, ऑटोमेटिकली ये ऑन होता है। तो यहाँ पर हमारा जो डेटा जो फोन के अंदर था वो कंप्लीट रिसेट हो चुका है, अब हमारा फोन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमारा फोन कंप्लीट रिसेट हो चुका है। तो अब इजीली हमें किस तरह से इसे सेटअप करना है तो वो मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट कर क्लिक कर दिए आपको यहाँ पर इस वाले टर्म ऑफ सर्विस का ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर आई हैव ऑल एग्री पर सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ पर भी आपको स्किप कर लेना है अपने कनेक्ट टू वाईफाई, यानी कि फिलहाल हमें किसी वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना है, तो यहाँ पर इसे स्किप कर लीजिए। तो फिलहाल ये स्किप कर लिया है। अब यहाँ पर गूगल सर्विस को यहाँ पर मोड को सिलेक्ट करके आपको एक्सेप्ट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर इसे लेटर कर लेना है, यहाँ पर भी लेटर सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर नेक्स्ट कर लेना है, यहाँ पर नेक्स्ट कर लेना है और यहाँ से भी इसे नेक्स्ट कर लेना है। जैसे आप इसे नेक्स्ट कर लेते हो तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है वेलकम 11 कलर ओएस, यानी कि इसमें जो कलर ओएस देखने को मिलता है 11, और यहाँ से इसे गेट स्टार्टेड पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप गेट स्टार्ट के तौर सिलेक्ट करते हो तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस चलता है, उसके बाद आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारा फ़ोन कंप्लीट रिसेट हो चुका है। आप देख पा रहे हो जो अंदर का डेटा होता है वो सारा रिमूव हो चुका है। तो गाइस, इस तरह से आप अपने किसी भी ओप्पो के फ़ोन को ईजिली रिसेट कर सकते हो। या तो ओप्पो A55 को रिसेट करना है तो भी कर पाएंगे,
तो गाइज ये था ओप्पो A55 का बैकअप एंड रिसेट। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर देगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।